हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कविता एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कविता इज हेयर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में दो लेटेस्ट स्कॉलरशिप स्कीम 2020 लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपके लिए ये जानकारी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्कॉलरशिप अलर्ट। द दलाई लामा ट्रस्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2020। ऐसे अनाथ या बेघर बच्चे जो ग्रेजुएशन डिग्री की पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए शिक्षा विभाग तिब्बतन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता, विद्यार्थी ने अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लिया हो और होनहार होने के साथ साथ अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, इनाम ऑब्लिक लाभ। चुने हुए छात्रों को स्कॉलरशिप के अंतर्गत विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। अंतिम तिथि बहुत नज़दीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इसे या पढ़िएगा। इच्छुक छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए 31 जुलाई 2020 31st of July 2020, दैट्स मीन डे आफ्टर टुमोरो तक आवेदन कर सकते हैं। सो बी अलर्ट। ओके, नेक्स्ट वन, आवेदन कैसे करें। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका वेबसाइट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जूम सेक्शन में अच्छी तरह से देख के और इस साइट पे विजिट करके अपना आवेदन जो है सक्सेसफुली डन कर सकते हैं। नाउ डिस्क्रिप्शन अबाउट सेकेंड स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। ओके, प्लीज लिसन केयरफुली एंड सी ऑल्सो केयरफुली। मेधावी छात्रों के लिए एम स्कॉलर योजना। कानपुर धन पढ़ाई में बाधा ना बने, इसलिए मेघमा फिनकॉर्प लिमिटेड मेधावी छात्रों के लिए एम स्कॉलर योजना लेकर आई है। जिन छात्रों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और परिवार की मासिक आय 10,000 से कम है, ऐसे छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयनित 100 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्लीज लिसन केयरफुली कि जो सिलेक्टेड 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। csr.magma.co.in पर आवेदन व अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इसकी रिगार्डिंग वेबसाइट है, प्लीज सी केयरफुली एंड टेक स्क्रीनशॉट टू फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, आवेदन व अधिक जानकारी ले सकते हैं। हालांकि छात्रवृत्ति की धनराशि स्कॉलरशिप अमाउंट अभी तय नहीं की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक एंड शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, ओके बाय, स्टे होम स्टे सेफ।